अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आलू के पराठे नाश्ते में बन रहे हैं, ऑल टाइम फेवरेट हैं बच्चों के, बड़ों के, हम सब के। तो सुबह नाश्ते में अभी पराठे चलेंगे। आप लोग के किचन में क्या नाश्ता चल रहा है, क्या पक रहा है? ये वन बाइट क्रीम पफ है, इतने मज़ेदार हैं कि मुँह में डालते ही घुल जाते हैं। इतने मज़े के, यम्मी और बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं। हम लोग लेते हैं कश्मीरी बेकर्स के, तो बहुत मज़ा आता है इन्हें खाने का। बच्चे क्या और फैसल क्या, मैं क्या, हम सब इतने शौक से खाते हैं, मज़ा आता है खा के, मुँह में जाए और घुल जाए, बस खत्म खत्म होता है। एक सेकेंड लगता है डब्बा कहाँ जाएगा, पता नहीं चलेगा। लो जी ये देखो, चट, एक सेकेंड लगा चट। चंद के बच्चे आ जाए और वो नूडल्स ना खाएं, मेरे हाथ कैसा हो भी सकता है। ये मेरे हाथ में थमा दी गई नूडल्स, ये मम्मी आप ही बना के दें। अभी मैं नहा के जस्ट अभी बैठी थी कि चलो अब मैं रेस्ट करती हूँ, मैं थक गई थी सुबह से सफाइयाँ कर करके। जिस दिन काम पर नाना आए उस दिन तो मेरा होता है कि मैं फुल डीपली सफाइयाँ कर लूँ, तो बस मैंने वही स्टार्ट की, सारी सारी की हैं। तो अब वो आ गए हैं तो नूडल्स बनाने लगी हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। नूडल्स की रेसिपी बहुत ईजी है, बच्चे भी बनाते हैं, मेरी छोटी बेटी जो है वो भी बना लेती है, बहुत मज़े से बन जाती हैं। लेकिन इतनी मज़ेदार बनती हैं कि मुँह से उतरती नहीं है, जायका ऐसा लगता है कि बस। ये सॉस पैन में मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए, ठीक है। और एक अनियन जो है मैं ये कट करने लगी हूँ, अगर आप लोगों के पास सिंपल वाला है सिंपल ले लें, और मेरे पास ये ग्रीन अनियन था तो मैं ये कट करने लगी हूँ। तो फिर उसके बाद खाती हूँ, बॉयल होता है इसमें नूडल्स डाल। अब जब बबल्स आ जाएंगे तो इसमें हमने ये पैकेट आगे डाल देना, ठीक है। ये रोटी खा के लिया है, इसे मैंने काफ़ी था रोटी ना लेकिन छोटी लेके फिर रोटी लिया है। अच्छा बहरहाल ये हमने डाल देनी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कुक करके, ज़्यादा फुल कुक नहीं करना, हाफ कुक करके ना इसका जो थोड़ा सा पानी है ना वो भी हमने साइड पे निकाल के रखना है, पूरा पानी हमने सारा स्ट्रेन नहीं करना, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ जब ये थोड़ी सी बॉइल होती है, ये थोड़ी थोड़ी सी बची है, मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रेन करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ पानी डालना है, इसमें डाल थोड़ा सा पानी जितना है ना, बस इतना मैंने रखना है, बाकी जो पानी है मैंने ड्रेन कर देना, ठीक है। इसको गिरा दूँगी और बस इतना ही पानी थोड़ा ताकि उसी में ये उठ जाए, बस, ठीक है। इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया, नूडल्स को मैं अलग कर लूँगी इस प्लेट में, और ये जिसका पानी है ये भी मैं अलग से रख लूँगी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या। अच्छा अभी जो पानी है ना, इसमें जो ये दो पैकेट थे ना, ये मैंने इनका जो मसाला था वो डाल देना, ठीक है। दोनों मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर देने, दोनों के दोनों डालने, कोई भी नहीं छोड़ना, ठीक है। अब इसमें मैंने थोड़े से दो टेबलस्पून ना मैंने इसमें डालने सोया सॉस, एक दो, ठीक है, सोया सॉस के डाल दिए। एक टेबलस्पून मैंने इसमें डालना है चिली गार्लिक केचप का, ठीक है। ये चिली गार्लिक केचप डाल दी, ठीक है, ये चिली गार्लिक मैंने केचप डाल दी, बस सिरका नहीं डालना क्योंकि ये चटपटा फ्लेवर है, इसमें ऑलरेडी सिरका होता है और केचप में भी थोड़ा थोड़ी खटास होती है, तो बस सोया सॉस और उसके मसाले और वो पानी और केचप, बस, ठीक है। अब जो फ्राई पैन था, फ्राई पैन कैसे सॉस पैन जो था, इसमें हमने ऑयल डालना है, हालांकि खोल के देना ज़रा, ये बस, ठीक है। अब इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है, मैं दिखाती हूँ, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दिया। अब इसमें ना अपनी जो मैंने अनियन कटी हुई है मैं वो डाल दूँगी साथ, और थोड़ा सा बसना मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी, ठीक है, क्योंकि जब प्याज डालते हैं तो उसको थोड़ा सा फ्लेवर देना होता है, इसमें बस मैं थोड़ा सा वो डाल दूँगी, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे, जैसे हल्के से ये छोटे होंगे तो जो वो सॉस थी ना वो डाल दूँगी, ठीक है। ये सॉस डाल दिए, इसको थोड़ा सा एक बबल आने देना अच्छे से, ठीक है। मिक्स करके मिक्स, ठीक है, मिक्स करके अब इसको जरा सा बबल आने देते हैं, तो फिर मैं इसमें जो नूडल्स मैंने साइड रखी थी वो डालती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बबल्स आ गए, अब इसमें हमने जो अपनी नूडल्स उनको डाल दूँ, ठीक है। ये बिस्मिल्लाह फिर रखना होगा नहीं, और अब हमें इसको करना है जस्ट मिक्स और इसको डिश आउट कर लेना है। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ा बनती है, मैं आपको उसका रिव्यू नहीं दिखा सकती क्योंकि वो बहुत शर्माता है, नहीं तो मैं आपको जरूर कहती रिव्यू दे, बहुत मज़ा बनती है। वैसे मैं सानी जी का रिव्यू दे रही हूँ, वो बहुत शाय पर्सन है और वैसे मामी की आती से बहुत मज़े की होती है। थैंक यू सो मच जी। तो हम जा रहे हैं, मम्मा के बच्चों ने रोड़ा डाल दिया कि हमें खाना नहीं खाना, बाहर का खाना मैंने शादी में खाना मुझे तो मैं खा देती, तो अब हम सब मिलकर जा रहे हैं मम्मा के, तो मेरे साथ मैंने देखा, मैं आपको मम्मा की खाती हूँ अपनी, जो बहुत ज़्यादा हर तरह का खाना वहाँ पर मिलता है, हर चीज़ मिलती है और रीजनेबल प्राइस मिलती है, उनको बहुत मज़ा आता है। चले आए मैं आप लोगों के साथ घुमा के लेकर जी। तो हम लोग आगे थे मार्केट में, बच्चे आगे नहीं आए, बच्चों का वेट कर रहे हैं, बच्चे आगे बच्चे कैसे हमें पैसे आने, और इस वजह से थोड़ा वेट कर रहे हैं बच्चे आगे, फिर आप लोग खाते हैं सबने क्या खाना है। यहाँ इतना रश है, इतना रश है, किसी को खानी शादी का सीजन भी चल रहा है, तो यहाँ पे मार्केट वगैरह भी है, यहाँ पे हॉल भी है, तो यहाँ पे लोग काफ़ी शादी वगैरह करते हैं, तो खाना वगैरह भी बहुत चल रहा है, मैं आपको खाती हूँ थोड़ा सा, तो मैं आपका शेयर करती हूँ जी। तो ये सारे लोग बैठे हैं, बहुत ज़्यादा रश लगा है, ऐसा ही है, यहाँ हर तरह की वैरायटी है, कुछ भी खाना हो, कुछ भी लेना हो, तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, सूट मिल जाता है, चाइनीज़ हर तरह का जो भी आपको चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए सब चीज़ें मिल जाती है। बैलून वाला आ जाता है और बच्चे फिर ऐसे ज़िद्दी होते हैं ना, लाइक सम टिकने नहीं देते, ये इस टिटैने ने लाजमी लेना है बैलून, इसको लाजमी चाहिए बैलून्स वगैरह हर चीज़, जो 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 बंदा आएगा ना वो ये जीडीस का हम लोग खाना खाने लगे हैं, बहुत अच्छे थे बर्गर और शवाना होते हैं, कि इनके बिल्कुल फ्रेश बना के रखा, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बर्गर बना के देते हैं, बिल्कुल ही फ्रेश शवाने वगैरह हर चीज़ इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, मस्त ट्राई कीजिएगा यहाँ का जीडीस का शवाना वगैरह बहुत अच्छा। Thank you.
प्राइस पे मैं आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त इनके फ्राइज़ वगैरह और इनके ये फिले, और यहाँ इन्होंने अपना स्पॉट खोला है यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज का छोटा सा व्लॉग आप लोगों को लाजमी पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, अब घर निकलते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वुड यू लाइक अ रिसीप्ट?